Hello friends, this is Sangam Forium. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about NGSAID 0.5 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. Friends, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है NGSAID 0.5 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, NGSAID 0.5 mg टैबलेट एक बहुत शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट की जान बचाने के लिए करते हैं। इसलिए इसे आप दूसरे शब्दों में लाइफ सेविंग मेडिसिन भी आप कह सकते हैं या लाइफ सेविंग ड्रग्स भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि यह मेडिसिन है प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर कर देता हूँ, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन होता क्या है। तो डियर व्यूअर्स, कोई भी मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्चे की जरूरत हो उसे प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहते हैं। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का इस्तेमाल हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन को ठीक करने के लिए किया था कि आपके सीने में अगर दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इमरजेंसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन वैसोडायलेटर्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वैसोडायलेटर कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल शब्दों में समझाने का कोशिश करूं और सिंपल तरीके से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। डियर व्यूअर्स, वैसोडायलेटर कहने का अर्थ हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, जो हमारे ब्लड वेसल्स को क्या है, ब्लड वेसल को, ठीक है, चौड़ा करने का काम करो, वाइड करने का काम करो, डायलेट करने का काम करो, उसे वैसोडायलेटर कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो सकता है, इंजेक्शन फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, तो उसे हम वैसोडायलेटर कहेंगे। सिंपली समझिए, हमारा जो ब्लड वेसल है, ठीक है, उसको ये डायलेट करेगा, चौड़ा करेगा, रास्ता बनाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैसो डायलेटर बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर्ड करती है, कैसे इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे डोज होते हैं और कैसे ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्तावर तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को GlaxoSmithKline फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जिसे शॉर्ट में GSK भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GSK भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय GSK फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, या इसी को आप पूरे बोल सकते हैं GlaxoSmithKline फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 30 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 60 रुपए से लेकर 70 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं, क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं NGSAID 0.5 mg, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल नाइट्रोग्लिसरीन 0.5 mg पाया जाता है। इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल नाइट्रोग्लिसरीन 0.5 mg पाया जाता है, या इसी को दूसरे शब्द में हम लोग बोल सकते हैं ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट 0.5 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, जिस तरह से, ठीक है, पैरासीटामोल को एसिटोमिनोफोन बोलते हैं, पेन किलर को एनाल्जेसिक बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसका जो साल्ट नेम है, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन का, इसको साल्ट नेम कहते हैं ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट बोल सकते हैं। समझिए कि एक तरह से इसका दूसरा नाम है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ, इसके अंदर सिंगल मोलिक्यूल नाइट्रोग्लिसरीन 0.5 मिलीग्राम पाया था, और जिसे दूसरे शब्द में हम लोग कह सकते हैं ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, जिसका इस्तेमाल समझिए कि हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन को ठीक करने के लिए आता है। अगर हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात अभी आपको अच्छे से समझ में आए, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल नाइट्रोग्लिसरीन 0.5 मिलीग्राम पाया जाता है।
फ्रेंड्स इन्हें बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में इसको दिया जा सकता है, किन किन डिजीज में इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर लिया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, इस मेडिसिन को यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स नंबर वन यूसेज इसका ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, कि अगर किसी व्यक्ति को एंजाइना पेक्टोरिस है, एंजाइना पेक्टोरिस कहने का मतलब कि एक तरह का हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, दर्द होता है ठीक है, जिसमें हमारा जो हार्ट का जो ब्लड वेसल होता है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता, पंपिंग नहीं कर पाता है, और ऑक्सीजन कम मिलने पर हमारा हार्ट जोर से संकुचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कि ऑक्सीजन खींचता है, जिसके कारण हमारे सीने में दर्द होना शुरू होता है। जब वो सीने में दर्द शुरू होता है तो धीरे 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 शोल्डर की ऊपर की ओर तरतराते हुए रेडिएटिंग पेन की तरह ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ये एंजाइना पेक्टोरिस समझो एक तरह से हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन है ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। जैसे ही एंजाइना पेक्टोरिस होगा बीपी बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड वेसल नैरो हो जाएगा, सकरा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात ब्लड का प्रॉपर सप्लाई नहीं जाएगा तो बीपी बढ़ेगा, इस बात को याद रखिए। बीपी बढ़ेगा, सीने में दर्द होना चालू हो जाएगा और चेस्ट में भारीपन लगेगा थोड़ा ठीक है, तो एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल कहता है। पर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, और किसी को हार्ट रिलेटेड भी चेस्ट पेन है ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल कहता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट फेल्योर, कि कभी कभी इसका इस्तेमाल डॉक्टर हार्ट फेल्योर में भी करते हैं बचने के लिए, हार्ट फेल्योर से बचने के लिए, या जैसे मान लीजिए किसी को चेस्ट में दर्द हुआ और एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द है, अगर वो लंबे समय तक दर्द रह गया तो पेशेंट का हार्ट फेल्योर हो सकता है, तो उससे बचने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल हार्ट अटैक से भी बचने के लिए करते हैं। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक डिसफंक्शन, कि कभी कभी एक ऐसे डिजीज होते हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड है, जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक डिसफंक्शन बोलते हैं हम लोग ठीक है, तो उसमें भी होता क्या है कि सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर, मेनली ट्रीटमेंट पर नहीं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर हार्ट सर्जरी, कि कभी कभी डॉक्टर जो होते हैं अगर हार्ट सर्जरी किसी का हुआ, किसी प्रकार का हार्ट सर्जरी हुआ हो ठीक है, तो उसके बाद भी डॉक्टर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर, ताकि हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है वो क्या रहे, मेंटेन रहे, शानदार तरीके से मेंटेन रहे। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, जिसको मैंने बोला एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने के लिए ही किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कहता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसमें मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये मेडिसिन काम कैसे करती है, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा इसको सिंपल तरीके से समझा दूं आपको। तो फ्रेंड्स यह मेडिसिन जैसे ही आप लेते हैं, दिस मेडिसिन डायलेट्स द ब्लड वेसल, कि जैसे ही इस मेडिसिन को लेते हैं ये आपके ब्लड वेसल को चौड़ा करता है, ताकि ब्लड का जो फ्लो है ठीक है वो सही तरीके से हार्ट तक पहुंच सके, सही समय पर हार्ट तक पहुंच सके, ताकि हार्ट फिर प्रॉपर ढंग से काम करना शुरू हो जाए, उसके दर्द को कम हो जाए। सिंपली समझिए अगर हार्ट में ना ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, आरबीसी कैरी करता ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो उसको ठीक करने के लिए ये क्या करता है, जैसे मेडिसिन को आप लेंगे ब्लड को चौड़ा करता है, जैसे तेजी से ब्लड का जो फ्लो होता है हार्ट में चला जाता है, और हार्ट का जो चेस्ट पेन होता है वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो उसको मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, तो हार्ट का चेस्ट पेन ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसको मोड ऑफ एक्शन अच्छा से आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आपको एडमिनिस्टर नहीं करना, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है, डायर कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स नंबर वन कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, तो उसको आपको नहीं देना है। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर, की अगर कोई लेडी ब्रेस्ट फीडिंग है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट के, गायनी डॉक्टर से कंसल्ट के। फिर कहते हैं ग्लूकोमा, ग्लूकोमा एक आंख की डिजीज होती है, अगर कोई ग्लूकोमा से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, की अगर कोई व्यक्ति इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफर कर रहा है ठीक है, मतलब शीघ्र पतन से, तो उसको भी आपको नहीं देना। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये कुछ ऐसा कंट्राइंडिकेशन होता है, इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन वाले पेशेंट मिले ठीक है, उसको आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके ड्रग इंटरैक्शन के बारे में। फ्रेंड्स ड्रग इंटरैक्शन जानना बहुत जरूरी है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग, अगर ड्रग इंटरैक्शन आप नहीं जानेंगे और उस मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर देंगे तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स चलिए ड्रग इंटरैक्शन समझ लेते हैं। फ्रेंड्स अगर कोई व्यक्ति ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ कॉपुलेशन करके आया हो, और कॉपुलेशन ड्यूरिंग कॉपुलेशन ठीक है, कॉपुलेशन या ड्यूरिंग सेक्स ठीक है, मेकिंग लव, उसने अगर टाडालाफिल, सिलनेडाफिल और व्याग्रा वगैरह ले रखा है,
तो उसके कारण भी चेस्ट पेन होता है। तो उस परिस्थिति में अगर वो ले रखा है उसके बाद इस मेडिसिन को आप कतई कतई नहीं दे, वरना पेशेंट की जान जा सकती है। तो ड्रग इंटरेक्शन आपको, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है बोलता है सीने में दर्द हो रहे हैं, तो उससे आप हिस्ट्री पूछिए। अगर यंग है, मैरिड है, तो उससे आप हिस्ट्री पूछिए, ठीक है, कि क्या इससे पहले आपने क्या किया और किस कारण से दर्द हो रहा है इससे पहले कि आपने इस मेडिसिन का सेवन किया, टेडालाफिल, सिलनेडाफिल या आपको बियाग्रा, अगर इसका आपने सेवन किया है तब आपको उसको नहीं देना। इस बात को याद रखिए कि ये इसके साथ बड़ा खतरनाक इसका ड्रग इंटरेक्शन होता है। तो इस बात को अपने दिमाग में रखे रहिए कि अगर किसी को हार्ट रेट, चेस्ट पेन हो रहा है तो आप उसका हिस्ट्री पहले समझ लीजिए, तभी इस मेडिसिन को दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके ड्रग इंटरेक्शन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, जितने भी मेडिसिन होते हैं इमरजेंसी कंडीशन में चलाने वाला, कुछ ना कुछ तो उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, खास करके एलोपैथिक मेडिसिन है तो देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसका साइड इफेक्ट कुछ इस प्रकार है। नौजिया, आपका जी में चलाएगा, फिर वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल है पानी की तरफ पतला हो जाएगा। फिर कहते हैं पेरिथेसिया, पेरिथेसिया कहने का होता है अर्थ होता है टिंगलिंग एंड प्रिकिंग इन हैंड्स एंड फीट, कि आपके हाथ पाँव में लगे कि टिंगलिंग, झुनझुनी हो रहा है और सुई की तरह चुभ रहा है कुछ, ठीक है। तो ये सब इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए, आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके जब वो दूसरे मेडिसिन को एडमिनिस्टर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स, डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिवरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ ये इमरजेंसी कंडीशन में चला आया था, इसलिए इमरजेंसी में इसका डोज होता है, ऐसे उसके तौर पर डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनरली जो इसका डोज होता है, अगर कोई किसी को ज़्यादा परेशान हो रहा है, हार्ट रेट, चेस्ट पेन है, तो 1:ODES कि एक गोली रोज देना है, खाली पेट देना है, खाली पेट ये बड़ा बढ़िया मेडिसिन काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये डोज मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, बच्चे के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और कोई बच्चा हो तो डॉक्टर से पहले कंसल्ट करो, उसके बाद ही डोज उनको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ उसके डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये बात है बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई होगी कि NG-SET 0.5 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स, वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।